कुंभ राशि, बहुत बड़ा भेद खुलेगा, सावधान, बहुत बुरा हाल होने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, जय भोलेनाथ। दोस्तों आज हम आपको एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरे 3 दिन की कुंभ राशि भविष्य बताने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, 20, 21 और 22 अगस्त के दिन आपका राशि भविष्य कैसा रहेगा उसी के बारे में विस्तार से स्टूडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जिसे जानना बेहद जरूरी है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ज्योतिष के जानकारों के अनुसार लगातार ग्रह नक्षत्रों की स्थिति में परिवर्तन होने की वजह से आकाश मंडल में कई शुभ योग और अशुभ योग का निर्माण होता है, जिसका सभी 12 राशियों पर कुछ ना कुछ प्रभाव अवश्य पड़ता है। यदि ग्रह नक्षत्रों की दशा राशि में ठीक है तो इसकी वजह से जीवन में अच्छे नतीजे मिलते हैं, परंतु इनकी स्थिति ठीक ना होने के कारण बहुत सी विपरीत परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। ज्योतिष गणना के अनुसार आज हम आपको कुंभ राशि के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों आपकी कुछ उलझनों का हल निकल सकता है। विद्यार्थियों को जीवन में आगे बढ़ने के कई सारे अवसर प्राप्त होंगे, उन्हें उन अवसरों का सदुपयोग करना सीखना चाहिए। योजनाएं बनाते हुए किसी प्रकार की लापरवाही नहीं करनी चाहिए। आप जो भी कोशिश करें वह पूरी ईमानदारी से करिएगा। कार्यक्षेत्र और नौकरी में यदि आप अपनी मौजूदा स्थिति से असंतुष्ट हैं तो इससे जल्द ही आपको निजात मिलेगी। आपके मन में बहुत सारे बातें एक साथ चलेगी जिसकी वजह से मानसिक तनाव अधिक रहेगा। नौकरी के क्षेत्र में भागदौड़ अधिक होने के कारण शारीरिक थकान और कमजोरी महसूस हो सकती है। आप अपने पारिवारिक मामलों पर ध्यान दीजिएगा। खानपान पर संयम बरतने की आवश्यकता है। पैसों का लेन देन ना करें तो ही बेहतर रहेगा, अन्यथा धन हानि होने के संकेत मिल रहे हैं। शादीशुदा जीवन अच्छा रहेगा। जीवन साथी का हर कदम पर सहयोग आपको मिलता रहेगा। सामाजिक क्षेत्र में आप अपना अलग स्थान बनाने में सफल हो सकते हैं। व्यापार में भी उतार चढ़ाव आ सकता है। दोस्तों ऐसे ही महत्वपूर्ण बातें आज की वीडियो में बताने वाले हैं, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिफल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए अब बात करते हैं आपका सामान्य सा राशिफल कैसा रहेगा उसके बारे में। दोस्तों आपको आपकी व्यवहारिकता और सावधानी से सफलता मिल सकती है। जो भी काम करें वह मन लगाकर करिएगा। जीवन में अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए दिल से प्रयास करना आपके लिए लाभदायक होगा। अपने प्रयासों में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना छोड़ेगा। कुछ घटनाएं समय के साथ घटती हैं, उन पर आपका कोई भी जोर नहीं होगा, इसलिए उनका विरोध बिल्कुल भी ना करें। पैसों से जुड़ी किसी समस्या को सुलझाने में कोई व्यक्ति आपकी मदद कर सकता है। सामूहिक रूप से किए गए कार्यों में आपको सफलता देखने को मिल सकती है। दोस्तों आपके मित्र और आपके सामाजिक संपर्क आपकी मदद कर सकते हैं, उनसे मदद लेने में किसी भी प्रकार का संकोच ना करें। तो चलिए अब बात करते हैं आपको कौन से बातों का ध्यान रखना है उसके बारे में। आप जितना अधिक मेहनत करेंगे उतना ही आपका भविष्य उज्जवल होगा। आपके कुछ नए मित्र भी बन सकते हैं। आपके पिछले कुछ पुराने संबंध आपके सामने आ सकते हैं। आपको अपने कार्यों में अपने मित्रों की मदद मिल सकती है। कुछ अच्छी उपलब्धियां या फिर अच्छे अवसर आपको मिल सकते हैं। इसके बारे में आपको किसी अच्छे जानकार से सलाह लेनी चाहिए। आपको अपनी कोई पुरानी खोई हुई वस्तु मिल सकती है। नए लोगों के साथ मेलजोल बढ़ाने से आपको फायदा हो सकता है। बच्चों की ओर से कोई अच्छा समाचार सुनने को मिल सकता है। आपकी वैवाहिक जीवन और अधिक मधुर होगा और अपने जीवन साथी से आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा। दोस्तों अब बात करते हैं किस तरह के बुरे हालात आपके जीवन में आ सकते हैं उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों बुरे हालात यानी कि उस हालात में आपको या तो नुकसान होगा या फिर आपकी समय की बर्बादी होगी या फिर आप जिस किसी भी क्षेत्र में हाथ डालेंगे तब आपको ज़्यादातर असफलता देखने को मिलेगी।
ऐसे बुरे हालात आपके जीवन में इन 3 दिनों में देखने को मिल सकता है। ऐसे में आपको शांत रहना होगा। कोई भी डिसीजन लेने से पहले बड़ों की राय या फिर कुछ अनुभवी व्यक्तियों की सलाह लेकर लेना होगा, वरना बड़ा नुकसान आपको देखने को मिल सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं आपका धनराशिफल कैसा रहेगा उसके बारे में। दोस्तों आप खुशियों की तलाश में हैं और किसी गुण ज्ञान से आपको प्रसन्नता मिलेगी। पिता या अधिकारी आपकी मदद कर सकते हैं या उन्हें आपकी सहायता की जरूरत पड़ेगी। धन या लेन देन में नुकसान आपके रोजाना के कार्यों को प्रभावित कर सकता है। आप भीड़ में भी अलग है, दूसरों की सुनना न केवल आपको बल्कि दूसरों को भी बेहतर महसूस कराता है। दोस्तों खुद को प्रेरित करते रहें और इस चरण का मजा भी लेते रहें। अपनी आंखें और कान हमेशा खुला रखें, यह नई शुरुआत करने का अवसर है। अब बात करते हैं आपका करियर राशिफल कैसा रहेगा उसके बारे में। आपको कोई बढ़िया विचार सूझ सकता है जो कि भविष्य में आपको धन लाभ जरूर दिलाएगा। अपने विचारों में रचनात्मकता लाएगा और न जाने आपका कौन सा विचार आपके काम आ जाए। सोच समझकर ही कोई योजना बनाएं और उस पर आज से ही काम शुरू कर दें। इससे लंबे समय तक आपको लाभ मिलता रहेगा। अब बात करते हैं आपका लव राशिफल कैसा रहेगा उसके बारे में। लंबी दूरी की यात्रा पर जाएं और लोगों से मिलें, इससे आपको खुशी और शांति प्राप्त होगी। मोहब्बत के हिसाब से दिन बेहतरीन तो नहीं है, लेकिन किसी का साथ इसे अच्छा बना देगा। अपने पति या फिर पत्नी के लिए कुछ स्पेशल करें। नई शुरुआत के लिए समय बेहतरीन रहेगा। आपके प्यार और रिलेशनशिप में फ्रेशनेस है, जो आपको अपनी चाहत के और भी करीब ले आएगी और आपका प्यार अटूट बनेगा। रिश्ते में आगे बढ़ने से पहले जांच ले कि क्या यह केवल आकर्षण है या आप सच्चे दिल से अपने साथी को चाहते हैं, इसके बाद ही आगे बढ़ेगा। दोस्तों स्वास्थ्य राशिफल की बात करें तो आप सकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित करने की वजह से लाभ उठाएंगे। ध्यान रहे कि जो छवि हम अपने दिमाग में बनाते हैं उसका हमारी सेहत पर बहुत असर पड़ता है, इसलिए सकारात्मक सोच अपनाएं ताकि लाभदायक फल आपको मिल पाए। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आपके जो कि ये 3 दिन रहने वाले हैं। दोस्तों वीडियो सच में अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करेगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों के संग शेयर करेगा और हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिफल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। इस चैनल पर आपको इसी तरह राशिफल के रिलेटेड वीडियोज देखने को मिलेगी, जिससे आप आने वाले दिनों के बारे में पहले से अनुमान भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।